सो डियर स्टूडेंट, टुडे आवर टॉपिक इज डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का विवर्तन। डिफ्रैक्शन एक फिनोमिना है जिसमें लाइट जो है, अगर वो स्मॉल ऑब्स्टेकल उसके रास्ते में आ जाएं, तो वहाँ से उनके कॉर्नर से, उनके एजिस से लाइट बैंड हो जाती है, मुड़ जाती है, और इस फिनोमिना को हम डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। लेकिन लाइट क्या किसी भी ऑब्स्टेकल से मुड़ जाएगी? आंसर है नहीं, नहीं मुड़ती है। उसके लिए पर्टिकुलरली ऐसा ऑब्स्टेकल होना चाहिए, ऐसा अपर्चर होना चाहिए जिसका वेवलेंथ, जिसकी तरंग दैर्ध्य लाइट की वेवलेंथ की कोटि की हो, रेंज की हो, यानी वेरी स्मॉल हो। लाइट की वेवलेंथ आपको पता ही है 10^-7 मीटर की रेंज ही होती है, तो इतना ही स्मॉल ऑब्स्टेकल चाहिए तभी वो मुड़ेगा। अन्यथा हम पास वाले कमरे में बैठे होते हैं और एक पास वाले कमरे में अगर टीवी चल रहा है तो हमें उस टीवी की आवाज़ तो सुनती है, लेकिन उस टीवी से आने वाली लाइट नहीं आती हमारी आंखों में, क्योंकि साउंड का विवर्तन, साउंड का डिफ्रैक्शन तो बड़े ऑब्स्टेकल से भी हो जाता है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों से भी मुड़ जाती है साउंड, क्योंकि उसकी वेवलेंथ ज़्यादा है साउंड की। लेकिन लाइट जो है वो तभी मुड़ पाएगी, तभी बैंड हो पाएगी जब उसके ऑब्स्टेकल जो है उसका साइज़ बहुत वेरी 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 स्मॉल हो। क्लियर? अब इसको सबसे पहले समझने वाले, इसको सबसे पहले इस फिनोमिना को जानने वाले दो साइंटिस्ट जिन्होंने प्रैक्टिकल्स किए और जिन्होंने पैटर्न डिफ्रैक्शन के देखे, विवर्तन देखे, उस बेस पे हम डिफ्रैक्शन को दो भागों में पढ़ेंगे। एक हम फ्रेजनल डिफ्रैक्शन पढ़ेंगे, एक हम फ्रानहोफर डिफ्रैक्शन पढ़ेंगे। इनमें बेसिक डिफरेंस क्या है? बहुत सिंपल है कि फ्रेजनल डिफ्रैक्शन में सोर्स जो होगा उससे इस स्लिट की जो डिस्टेंस है वो भी फाइनाइट होती है, परिमित होती है, और स्क्रीन भी, जिस स्क्रीन पे ये हम पैटर्न देख रहे हैं वो स्क्रीन भी फाइनाइट डिस्टेंस पे होगा, यानी उसकी दूरी भी परिमित होगी। और इसमें फ्रॉनहोफर में क्या होगा कि ये डिस्टेंस जो है इनफाइनाइट होती है, सोर्स भी स्लिट से इनफाइनाइट होगा और स्क्रीन भी स्लिट से, पर्दा भी स्लिट से इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होगा। इनफाइनाइट का मतलब बहुत दूर होगा, इनफाइनाइट का मीनिंग इतना ही समझें कि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। और दूसरा, इसके अंदर फ्रेजनल के अंदर जो वेव फ्रंट हैं, तरंगाग्र हैं, वह स्पेरिकल होंगे, गोलीय होंगे, और फ्रानहोफर में क्योंकि डिस्टेंस इनफाइनाइट हो चुकी है तो वेव फ्रंट आपको पता है प्लेन हो जाते हैं, तो इसमें आने वाले वेव फ्रंट्स कैसे होंगे? प्लेन होंगे। तो ये बड़े दो बेसिक डिफरेंस हैं, इनमें डिफरेंस ही पूछे जाते हैं, तो ये दो डिफरेंस मैंने आपको बताए फ्रेजनल और फ्रानहोफर में। फ्रानहोफर डिफ्रैक्शन का हम एक्सपेरिमेंट को थोड़ा डिटेल में और पढ़ते हैं, हमारे सिलेबस में है, और हम उसके लिए एक डेरिवेशन भी अभी करते हैं। फ्रानहोफर का हमारे पास जो सिलेबस में हमारे है, तो वो है फ्रानहोफर का सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट, फ्रानहोफर सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट, जिसे हम एकल झिरी, से हम एकल झिरी प्रयोग कहते हैं, एकल झिरी विवर्तन प्रयोग या एकल झिरी विवर्तन बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है, ये कैसे है? इसमें कुछ सोर्स है इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, यहाँ कुछ सोर्स है, इससे आने वाली लाइट के वेव फ्रंट कैसे हो जाएंगे? प्लेन। तो ये प्लेन वेव फ्रंट इस तरह से मूव करते हुए आगे चलते हैं और यहाँ पर पहुँचते हैं, यहाँ पर एक ओपनिंग लगाई, एक ओपनिंग ले ली ए बी, ठीक है, यानी द्वारक ले लिया, अपर्चर ले लिया, खुला है, यहाँ से लाइट आगे इसमें से पास होगी, यहाँ पर तो लाइट रोक देगा, ये तो लाइट को रोकने वाले हैं, तो ये पोर्शन लाइट को रोकने वाला है, ये ओपनिंग है। यहाँ से लाइट जब आगे जाएगी तो सामने स्क्रीन लगाया, स्क्रीन लगा के इसका साइज़ बहुत छोटा है, ए इज़ वेरी 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 स्मॉल, मैं बता ही चुका हूँ आपको ये लाइट की वेवलेंथ की रेंज का होना चाहिए। और ये जो डी डिस्टेंस है, ये मान लो कुछ डी डिस्टेंस ले लेते हैं, ये एज़ कम्पेयर टू ए वेरी 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 लार्ज है। ठीक है, अब यहाँ पर जब स्क्रीन पे पैटर्न देखा तो स्क्रीन पे होना चाहिए था कि लाइट जो है ए के सामने सामने आती और बी के सामने सामने लाइट आती और बाकी जगह पर ये लाइट को रोकता और यहाँ पर डार्कनेस आनी चाहिए थी, सब इस तरफ क्या आनी चाहिए थी? डार्कनेस। लेकिन यहाँ पर पैटर्न बड़ा शानदार एक दिखा, वो क्या दिखा कि लाइट जो है वो सेंट्रल में तो ब्राइट आ रही है बैंड, और अल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क के बैंड्स आ रहे हैं विद डिक्रीजिंग इंटेंसिटी। तो ये अपने आप में एक गजब का एक्सपेरिमेंट था जो कि सब चीज़ें उनको
उनकी उम्मीद से कुछ अलग यहाँ पर दिखाई दी। अब ये सब हुआ क्यों? ये सेंट्रल, ये देखिए, ये तो है सेंट्रल में, सेंट्रल में मैक्सिमा, इसको बोलते हैं मैक्सिमा, केंद्रीय, उच्चिष्ट, उच्चिष्ट, ठीक है। ये कैसे मिलता है? देखो यहाँ पर क्या है, वेव थ्योरी आप जानते ही हैं कि हर एक, ये वेव फ्रंट है ए और बी के बीच में, ये वेव फ्रंट, प्लेन वेव फ्रंट लिया हमने, हर वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट सेकेंडरी वेवलेट का वर्क करता है, द्वितीयक तरंगिकाएँ बनती हैं और वो अपने आप में सोर्स होती हैं, वो अपने आप में सोर्स हैं वेव निकालने की। तो यहाँ से खूब सारी वेव ए से लेकर ए से निकलेंगी बीच में, फिर यहाँ सब जगह से ये छोटे छोटे सोर्स बनेंगे, सब वेव्स निकालेंगे और वो वेव जब यहाँ पहुँचेंगी, ये कोई सेंटर पॉइंट ले लेते हैं, मान लीजिए नाम दे दिया ओ, तो ओ पर ए से पहुँचेंगी, ए ओ डिफरेंस ट्रेवल करेंगी, बी से पहुँचेंगी, बी और डिस्टेंस ट्रेवल करेंगी, और ये दोनों डिस्टेंस इक्वल है क्योंकि ये बिल्कुल सेंटर में है पॉइंट ए बी के, ठीक है। तो डिस्टेंस, पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा? पाथ डिफरेंस जीरो हो जाएगा। यहाँ पर कितना डिफरेंस हो जाएगा सेंट्रल में? यहाँ पर पाथ डिफरेंस जीरो हो जाएगा। पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा? जीरो। पाथ डिफरेंस जीरो होता है तो आपको पता है कि इंटरफेरेंस कैसा होता है? इंटरफेरेंस होता है कंस्ट्रक्टिव। कैसा होता है? कंस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है जिसको हम समपोषी कहते हैं, और उसमें अपने को क्या मिलती है? उसमें अपने को चमक मिलती है, ब्राइटनेस मिलती है। तो सेंटर में यहाँ पर ब्राइटनेस मिलेगी, क्लियर। अब इसके बाद यहाँ पर क्या हो रहा है? सेंटर में ब्राइटनेस तो समझ आ रही है, लेकिन ये मिनिमा क्यों मिला? फिर एक मैक्सिमा मिल गया यहाँ साइड में, ये मिनिमा मिल गया, निम्निष्ट बोलते हैं इसे हम, निम्निष्ट मिल गया। और यहाँ क्या मिल गया? फिर से मैक्सिमा, फिर से एक सेकेंडरी, ये तो सेंट्रल मैक्सिमा, यहाँ मिल गया सेकेंडरी मैक्सिमा, और यहाँ पर भी देखो ये फिर मिनिमा मिला और ये मैक्सिमा मिला, और ऐसे चलता जाएगा, आगे भी मिलते जाएंगे लेकिन उनकी इंटेंसिटी कम होती जाती है। तो ये सब क्यों मिलने लगे, ये सब क्यों आए, वो सब हम अभी यहाँ पर डिटेल में समझने वाले हैं। तो इस डायग्राम को समझने के लिए पाथ डिफरेंस को हमें ए और बी से, मान लो हम कोई पॉइंट पी लेते हैं, देखिए समझिए, कोई पॉइंट लिया हमने पी, इस पॉइंट पर हम देखना चाह रहे हैं कि मैक्सिमा मिलेगा कि मिनिमा मिलेगा। तो सिंपल सी बात है, उसको निकालने का तरीका हमने जो पहले डेरिवेशन में लास्ट में किया है इंटरफेरेंस वाले में, यंग्स वाले में, वही कि ए से जो वेव आएगी वो कितना ट्रेवल करेगी, पाथ डिफरेंस निकालना हो तो, पाथ डिफरेंस अगर हमें निकालना हो तो कितना आएगा, ए से कितना ट्रेवल करेगी पी पे पहुंचने वाली ए पी, और बी से चलने वाली कितना ट्रेवल करेगी बी पी। अगर हम बी पी में से ए पी को माइनस कर दें, बी पी में से ए पी को माइनस कर दें, तो पाथ डिफरेंस आ जाएगा ना ए और बी से निकलने वाली वेवलेट्स का। अब देखिए पाथ डिफरेंस आ गया, उसको निकालने के लिए हम यहाँ थोड़ा सा एक क्या करते हैं, ए से एक परपेंडिकुलर खींच दिया हमने, ए से एक परपेंडिकुलर, ये ए एन खींच दिया बी पर, है ना, बी पी पर। तो ये परपेंडिकुलर आने के बाद अगर ये एंगल, इस एंगल को हम थीटा मान लेते हैं, ये एंगल थीटा वेरी स्मॉल है, थीटा इज वेरी 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 स्मॉल, थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल। तो उस कंडीशन में क्या होगा, अगर थीटा वेरी स्मॉल है तो उस कंडीशन में ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएगा, कौन सा, ए एन पी ट्रायंगल, कौन सा, ए एन पी की बात कर रहा हूँ मैं, देखिए आप ए एन पी को देखिए, ए एन पी जो ट्रायंगल है वो आइसोसेलेस हो जाएगा थीटा अगर स्मॉल है, तो ये दोनों साइड्स ऑलमोस्ट क्या हो जाएंगी, इक्वल। अगर ये इक्वल हो गई तो फिर पाथ डिफरेंस कितना रह गया, ये रह गया ओनली, कितना रह गया बी पी माइनस ए पी, कितना रह गया बी एन। तो पाथ डिफरेंस कितना हो जाता है, ये पाथ डिफरेंस बी एन के बराबर हो जाता है, क्लियर। तो बी एन पाथ डिफरेंस रह गया। अब ये जो बी एन पाथ डिफरेंस है इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, बड़ा सिंपल है, इसको डायग्राम को थोड़ा यहाँ बड़ा करके बनाते हैं। देखिए ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, और ये वाला पॉइंट है एन, ये एंगल कितना है थीटा, ये एंगल भी कितना होगा थीटा। अगर ये थीटा है तो ये एंगल यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना 90, तो ये एंगल कितना बच गया, ये एंगल बच गया 90 माइनस थीटा। अब ये वाला एंगल कितना है, ये परपेंडिकुलर खींचा था हमने तो ये 90 था, ये अगर 90 है, ये 90 माइनस थीटा है, तो ये वाला एंगल कितना आ गया थीटा, क्लियर, समझ रहे हैं ना आप। तो ये एंगल थीटा आ गया। अब ये थीटा आ गया तो इस ट्रायंगल को देखिए, ट्रायंगल ले लेते हैं हम, कौन सा, ए बी एन, इसमें मुझे आप साइन थीटा की वैल्यू बताइए, साइन थीटा की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कौन सा है इसमें बी एन,
अपॉन हाइपो, हाइपो कितना ए बी, और ए बी है कितना, ए बी है ए, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो लंब बटे करण, करण है यहाँ पर ए, तो यहाँ से बी एन की वैल्यू आ गई है, ये बी एन की वैल्यू हमारी आ गई ए साइन थीटा, क्लियर। ये बी एन की वैल्यू हमारे पास ए साइन थीटा आ गई। तो इसका मतलब जो हमारा पाथ डिफरेंस था, बी एन क्या चीज़ है, बी एन क्या चीज़ है, पाथ डिफरेंस, इसको हम कुछ भी रख देते हैं नाम, डेल्टा एक्स मान लो, पाथ डिफरेंस को हम डेल्टा एक्स बोल देते हैं मान लो, हम बोल रहे हैं पहले से। तो ए साइन थीटा कितनी वैल्यू आ गई इसकी, ए साइन थीटा, ओके। अब अगर ये थीटा वेरी स्मॉल है तो हम इसको पाथ डिफरेंस को, इसको हम ए थीटा भी लिख सकते हैं, ए इंटू थीटा। अगर थीटा वेरी स्मॉल है तो आपको पता है थीटा और साइन थीटा इक्वल होते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा होता है, ठीक है। तो हम इसको ए थीटा लिख देते हैं, तो पाथ डिफरेंस आ गया इतना। अब पाथ डिफरेंस जो है वो कितना हो, पाथ डिफरेंस कितना हो, पथांतर कितना हो, कि हमारे को, अब हम बात कर रहे हैं मिनिमा की कंडीशन की, पहले हम बात कर रहे हैं मिनिमा निम्निष्ट, तो निम्निष्ट कब मिलेगा, निम्निष्ट कब मिलेगा, निम्निष्ट मिलने की कंडीशन क्या है, निम्निष्ट मिलने की कंडीशन पाथ डिफरेंस कितना हो, ए और बी में पाथ डिफरेंस कितना हो। देखो यहाँ पर थोड़ा सा लॉजिकली आपको समझना पड़ेगा कि हम, एक बार मैं यहाँ बताता हूँ आपको, कि हमने ये लिया ए पॉइंट और ये लिया हमने बी पॉइंट, ठीक है। अब ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच में पाथ डिफरेंस अगर मान लीजिए हम ले लेते हैं लैम्डा, कितना ले लेते हैं लैम्डा, ठीक है। तो हम इसके अगर यहाँ पर इसका सेंटर पॉइंट कुछ एक सेंटर मान लेते हैं, मान लीजिए ओ डैश, तो ए से लेकर ओ डैश का पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा, ये भी लैम्डा बाई टू हो जाएगा, और ओ डैश से लेकर बी तक कितना हो जाएगा, लैम्डा बाई टू। यानी कि इसके हम ए ओ के दो पार्ट कर लिए हमने, कौन कौन से, ए ओ डैश और दूसरा पार्ट कर लिया हमने बी ओ डैश, इन दोनों में दो पार्ट के अंदर लैम्डा बाई टू का डिफरेंस आ रहा है। हमने पाथ डिफरेंस अपनी तरफ से एज्यूम किया था ए और बी में पाथ डिफरेंस है लैम्डा, कितना है, ए और बी में पाथ डिफरेंस हमने लिया अपनी मर्जी से लैम्डा, तो उसमें हमने इसके दो पार्ट कर लिए ए ओ डैश और ओ डैश बी, इन दोनों में फिर ये कितना हो जाएगा, ऊपर वाला भी लैम्डा बाई टू, नीचे वाला भी लैम्डा बाई टू। आपको यहाँ तक की बात समझ आ रही होगी। अब देखिए मान लीजिए कि ए से ओ के बीच में 100 वेव्स हैं, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि 100 वेव्स हैं, तो एक दो तीन चलती जाएंगी, ओ पे कित कौन सी आ जाएगी, 50वीं आ जाएगी, फिर आगे 51 52 ऐसे चलती जाएगी, और यहाँ पर बी पे कौन सी आ जाएगी, 100th आ जाएगी। ऐसी मान लीजिए वेव्स हैं ए से बी के बीच में 1 2 3 50 51 और 100 तक आ जाएगी, बी तक 100 हो जाएगी, डैश 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 चलती जाएगी। अब अगर हम पाथ डिफरेंस देखना चाहें 1 और 100 के बीच में, किस किस के बीच में, 1 और 100 के बीच में पाथ डिफरेंस आप बताइए कितना आएगा 1 और 100 के बीच में, वो तो लैम्डा आएगा, ठीक बात है। अब अगर पाथ डिफरेंस की बात करूं मैं कि 1 और 51 में बता दीजिए मेरे को कितना पाथ का डिफरेंस है, 1 चल के आई ए से, ए के थोड़ा सा नीचे से 1 चल के आई ए से, और ओ के, ओ से जस्ट थोड़ा नीचे से 51th चल के आई पी पर पहुंची, तो दोनों में पाथ डिफरेंस कितना आएगा, देखो बताइए लैम्डा बाई टू का आएगा ना, लैम्डा बाई टू। और टू सेकेंड नंबर यहाँ पर कोई सेकेंड वेव है और 50 सेकेंड वेव की बात करें, उनमें पाथ डिफरेंस क्या आएगा, फिर से लैम्डा बाई टू। थर्ड और 53rd में कितनी आएगी, फिर से लैम्डा बाई टू। फोर्थ और 54th में कितना आएगा, फिर से लैम्डा बाई टू। यानी कि अगर इसके दो पोर्शन कर दें तो ऊपर वाले पोर्शन के, इस ए ओ पोर्शन के कोरस्पॉन्डिंग एक वेव बी ओ पोर्शन में 100% होगी, इसके कोरस्पॉन्डेंट यानी इसके कोरस्पॉन्डिंग एक वेव, ठीक है, जरूर होगी, जिसका पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई टू बैठेगा इससे। और लैम्डा बाई टू जब भी बैठता है पाथ डिफरेंस, तब आपको पता है कि व्यतिकरण कैसा हो जाता है, इंटरफेरेंस कैसा हो जाता है, इंटरफेरेंस हो जाता है डिस्ट्रक्टिव, कैसा हो जाता है, डिस्ट्रक्टिव, विनाशी। तो इसका मतलब ये विनाशी व्यतिकरण शो होगा। हमने पाथ डिफरेंस लिया था लैम्डा, लैम्डा पाथ डिफरेंस में होना, अगर इंटरफेरेंस की बात करते थे हम यंग्स मॉडल की, तो लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा इन सब पे समपोषी व्यतिकरण कंस्ट्रक्टिव मिलता था,
लेकिन यहाँ देखिए मिल कौन सा रहा है, यहाँ पर डिफ्रेक्शन में कौन सा मिल रहा है, डिस्ट्रक्टिव मिल रहा है, विनाशी मिल रहा है, और उसका रीज़न ये बताया मैंने कि इसके दो भाग बन गए। टू लेमडा में क्या होगा, इसके चार भाग बन जाएंगे। टू लेमडा में कितने पोर्शन बन जाएंगे, चार, और फर्स्ट और सेकेंड में लेमडा बाई टू, थर्ड और फोर्थ में लेमडा बाई टू, फर्स्ट और थर्ड में लेमडा बाई टू, सेकेंड और फोर्थ में लेमडा बाई टू, यानी कि फिर से वही होगा जैसा यहाँ हो रहा है वैसे ही उसके चार, और थ्री लेमडा में छः भाग बन जाएंगे उसके, और हमें कैसा मिलेगा, डिस्ट्रक्टिव ही मिलने वाला है। आप मेरी बात मेरे ख्याल से समझ पा रहे होंगे जो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ कि जब पाथ डिफरेंस ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में जो वेवलेट्स निकलेंगी, ए से निकलने वाली और बी से निकलने वाली, उनके बीच में अगर पाथ डिफरेंस लेमडा हो, टू लेमडा हो, थ्री लेमडा हो, तो एक्चुअल में ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा और हमें क्या मिलने वाली है, डार्कनेस, मिनिमा, निम्निस्ट। ठीक है, तो वापस से आते हैं हम यहाँ पर इस फॉर्मूले पे। पाथ डिफरेंस होता है ए लेमडा, कितना होता है, ये रहा ए लेमडा। तो पाथ डिफरेंस अगर ए थीटा जो है वो एन इंटू लेमडा हो, एन इंटू लेमडा, एन की वैल्यू कितनी हो सकती है, वन टू थ्री फोर कुछ भी हो सकती है, एन की वैल्यू वन टू थ्री फोर ऐसा होगा, ए थीटा की वैल्यू, ए थीटा पाथ डिफरेंस है, इसकी वैल्यू अगर एन लेमडा होगी तो हमें कैसा मिलेगा, डिस्ट्रक्टिव मिलेगा, कैसा मिलेगा, डिस्ट्रक्टिव, विनाशी। तो यहाँ से अगर हम थीटा की वैल्यू निकालना चाहें तो वो आएगी एन लेमडा बाई, क्लियर, थीटा की वैल्यू आ गई एन लेमडा बाई, इस फॉर्मूले को आप याद रखेंगे। हम आगे बढ़ते हैं, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। अब इसको समझते हैं हम कि विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा कैसे निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपने देखा ये तो बनने वाला है सेंट्रल मैक्सिमा, केंद्रीय उच्चिष्ट, ये बनने वाला है मिनिमा, आपको पता लग गया इस तरफ, इसके दोनों तरफ मिनिमा बनेंगे, एक ये मिनिमा बन गया। मिनिमा की कंडीशन अभी हमने निकाली थी, मिनिमा की कंडीशन में ए थीटा जो है एन लैम्डा के बराबर होता है, यानी थीटा बराबर एन लैम्डा बाई ए होता है। अब फर्स्ट मिनिमा के लिए एन को कितना रखोगे आप, एन बराबर आपको मैंने बताया था वन टू थ्री रखने होते हैं, वन रखते ही फर्स्ट मिनिमा मिलेगा। तो फर्स्ट मिनिमा के लिए आप एन को वन रखेंगे तो थीटा आएगा लेमडा बाई ए आएगा, एन को वन रखेंगे, एन को माइनस वन रखेंगे तो भी मिनिमा मिलेगा, इस तरफ मिनिमा मिलेगा, मिनिमा दोनों तरफ मिल रहे हैं, समझ रहे हैं आप। तो फर्स्ट मिनिमा अपर साइड में, ये तो मिला अपर साइड में, और लोअर साइड में मिलेगा उसको हम बोल सकते हैं माइनस में, आप अगर इस इन डिस्टेंस को इधर वाली को माइनस में लें तो लोअर साइड में, ठीक है, इस ओ से अपर, ओ से लोअर। तो ये फर्स्ट मिनिमा मिल गए दो हमारे को, लैम्डा बाई ए पे मिल गया यहाँ पर, और ये मिल गया माइनस लैम्डा बाई ए पे, क्लियर। अब हम अगर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा निकालें तो अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक ये डिस्टेंस है लैम्डा बाई ए और ये वाली डिस्टेंस है माइनस लैम्डा बाई ए, तो सेंट्रल मैक्सिमा निकालने के लिए, सीएम निकालने के लिए क्या करोगे आप, कि मैक्सिमा जो ऊपर बना है उसकी डिस्टेंस लैम्डा बाई ए है, उसमें से अगर हम नीचे वाले मैक्सिमा ये डिस्टेंस को, टोटल ये डिस्टेंस को हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, ठीक है ना, तो ये डिस्टेंस है हमारे पास लैम्डा बाई ए और ये भी डिस्टेंस है लैम्डा बाई ए, तो इसमें से अगर इसको माइनस कर दें, ठीक है, या फिर इन डिस्टेंस को अपन पॉजिटिव लेके जोड़ दें, एक ही बात है ना, ये भी लैम्डा बाई ए दूरी पर है, ये भी लैम्डा बाई ए दूरी पर है, तो दोनों को ऐड भी सिंपली कर सकते हैं, तो लैम्डा बाई ए प्लस लैम्डा बाई ए ऐड होगी ना सेंटर में, सेंटर मैक्सिमा निकालने के लिए ये और ये ऐड करना पड़ेगा यहाँ से लेकर मिनिमा जो बना, तो ये भी लैम्डा बाई ए है, ये भी लैम्डा बाई ए, तो टू लैम्डा बाई ए, तो सेंट्रल जो विड्थ होती है वो टू लैम्डा बाई ए आ जाती है, कितनी आ जाती है, टू लैम्डा बाई ए। अब ये तो हुआ सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ। अब हम एक बात और करते हैं कि अब ये आगे फिर मैक्सिमा बन रहा है सेकेंडरी मैक्सिमा ये कब बनेगा। सेकेंडरी मैक्सिमा बनने के लिए ए और बी को वापस से हम यहाँ समझते हैं, ए से बी को अगर हम पाथ डिफरेंस ले लें, मान लीजिए थ्री लैम्डा बाई टू पाथ डिफरेंस ले लें, फाइव लैम्डा बाई टू, सेवन लैम्डा बाई टू, ऐसे जब पाथ डिफरेंस होंगे ए से लेकर बी तक के,
तब हमारे को मैक्सिमा मिलेगा। कैसे मिलेगा, देखो 3 लैम्डा बाई 2 में कैसे मिलेगा, 3 लैम्डा बाई 2 को हम तीन, इसके ए से बी के हम तीन भाग कर सकते हैं, ए से बी के हम तीन भाग कर सकते हैं, लैम्डा बाई टू और लैम्डा बाई 2। 3 लैम्डा बाई 2 को हमने तीन पोर्शन में तोड़ लिया। एक अगर मान लो इसमें 100 वेव्स हैं तो 100 वेव्स को हमने तीन तीन में 33 33 33 यानी 99 है तो तीन भाग में तोड़ लिया। अब ये पहली और सेकंड वाली 33 33 तो आपस के अंदर लैम्डा बाई 2 पास डिफरेंस पे चलेंगी, यानी यहाँ फर्स्ट और 34th है ना सेकंड और 35th, ये सब लैम्डा बाई 2 पे आपस में एक दूसरे को कैंसिल करेंगी, जैसे पहले होता था, दो भाग तो आपस में कैंसिल होंगे और वहाँ क्या बनाएंगे, स्क्रीन पे पहुँच के मिनिमम बनाएंगे। लेकिन ये थर्ड भाग जो है, इसकी जो वेवलेट्स हैं, सेकेंडरी सोर्सेज हैं, इनसे जो वेव बनेगी सीधी पर्दे पे पहुँचेगी और सीधी लाइट देंगी वहाँ जाके, कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा इनमें। तो इस कारण यहाँ पर हमारे को मैक्सिमा, ये वाले जो मैक्सिमा हैं आगे वाले सेंट्रल के बाद वाले मिलते हैं, लेकिन इनकी इंटेंसिटी कम हो जाती है। क्यों कम हो जाती है, क्योंकि देखिए आपस के अंदर इसमें अगर है 99 वेव्स हैं तो 66 तो कैंसिल आउट ही होगी, सिर्फ 33 ने पहुँच के वहाँ पर लाइट दी है। और 5 लैम्डा बाई 2 में क्या होगा, इसके पाँच भाग बनेंगे। 5 लैम्डा बाई 2 में ए से लेकर बी तक को कितने पोर्शन में आप डिवाइड कर दोगे, 5 पोर्शन में भाग दोगे, 5 में से 4 तो कैंसिल आउट होंगे आपस के अंदर, सिर्फ एक पोर्शन से लाइट पहुंचेगी, तो इसकी इंटेंसिटी और भी कम हो जाएगी, इसकी इंटेंसिटी आगे और भी कम, 7 लैम्डा बाई 2 में और भी कम हो जाएगी। आई थिंक आपको ये बात समझ आ रही होगी, हम कैसे एग्जाम्पल से, मैं सिर्फ समझाना चाह रहा हूँ आपको कि ऐसा होता रहता है, ऐसे लाइट्स के तो इसमें इंटरफेरेंस से अपोजिट हो रहा है। इंटरफेरेंस के अंदर 3 लैम्डा बाई 2 पे कौन सा इंटरफेरेंस होता था, डिस्ट्रक्टिव, यहाँ पर कौन सा हो रहा है, कंस्ट्रक्टिव हो रहा है, क्योंकि 3 लैम्डा बाई 2 जो है ए से लेकर बी तक का पास डिफरेंस है, जिसको हमने तीन भागों में डिवाइड करके और एक्सप्लेन किया कि दो भाग आपस में कैंसिल होते हैं और एक भाग जो है, एक पार्ट पूरा पूरा स्क्रीन पे पहुंच के लाइट जनरेट करता है। आई थिंक आपको ये सब जो है मिनिमा और मैक्सिमा की कंडीशन समझ आ गई होगी। तो मैक्सिमा की कंडीशन जो है, सेकेंडरी मैक्सिमा बोलते हैं इसको, द्वितीयक सेकेंडरी मैक्सिमा की कंडीशन आपको समझ आ गई होगी, कौन सी आती है, जब आपका पाथ डिफरेंस कितना हो, 2n+1 λ/2। n की वैल्यू यहाँ पर आप रख सकते हैं 1, 2, 1, 2, 3, ये रख सकते हैं। ये सब मैक्सिमा सेकेंडरी मैक्सिमा बनाएगा, ये सब क्या बनाएगा, सेकेंडरी मैक्सिमा बनाएगा। रीजन उसका मैंने आपको इस तरह से एक्सप्लेन किया, उसको 3 पार्ट में 5 पार्ट में 7 पार्ट में डिवाइड करेंगे। और मिनिमम में कितने पार्ट्स में डिवाइड करके समझ सकते हैं हम उसके, हम 2 पार्ट 4 पार्ट 6 पार्ट 8 पार्ट ऐसे कर देंगे, यानी अगर 4 लैम्डा हुआ तो कितने पार्ट हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। आई थिंक ये पूरा आपको एक्सप्लेनेशन समझ आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे।